तो जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए थे उन सारे फॉर्मूलों में जैसे क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मतलब जरूरी नहीं है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिले। तो वही पॉइंट में डिस्कस कर रहा था लास्ट क्लास में कि हो सकता है कि उस एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको एक्स का कोई क्वाड्रेटिक मिलेगा, राइट। तो क्वाड्रेटिक यदि आपको मिल रहा है तो आपको क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर जब भी आप बनाएंगे तो उसमें कोशिश करना कि एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को वन रखना है, कोशिश नहीं वो करना ही अपने को, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को वन रखना है, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और सर वन बनाना ही पड़ेगा। हाँ वन बनाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो वन अपॉन, अभी जैसे मान लो अभी मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यदि मैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो मेरे पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, बताओ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा एक्स कोफिशिएंट का हाफ, और इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे तो माइनस वन प्लस फाइव हो जाएगा प्लस फोर इंटू डी एक्स, ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो क्या था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ln of x, x की जगह x प्लस वन लिखना है, x की जगह x प्लस वन लिखना है, प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। और अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे आएगा ना इसमें, क्या आएगा, वन बाई एक, इसमें नहीं आएगा वन बाई, इसमें थोड़ी ना आएगा, ये तो वो वाला फॉर्मूला ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, वो तो सीधे सीधे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, है। अब जैसे मान लो इसी में ऐसा आ जाता वन अपॉन अंडर रूट ऑफ लेट्स से थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड लेट्स से माइनस वन, ऐसा है। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले आप क्या करना कि एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को कॉमन ले लेना, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट। तो थ्री को मैं बाहर लूंगा तो बाहर आएगा वन बाय रूट थ्री, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री इंटू डी एक्स, ऐसा, ठीक है। अब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय रूट थ्री आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह आ गया एक्स प्लस एक्स के कोफिशियंट का हाफ, तो हाफ करोगे तो वन बाय थ्री का हाफ वन बाय सिक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या माइनस करेंगे, माइनस वन बाय थर्टी सिक्स माइनस वन बाय। अब इसमें ना कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना है यार, ये बहुत गड़बड़ करते हो कैलकुलेशन। अब जैसे माइनस वन बाय थर्टी सिक्स माइनस वन बाय थ्री आया, तो यहां पे माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट लगा दो और इसमें प्लस लिख दो, है ना। तो थर्टी सिक्स यदि मैं एलसीएम लूंगा तो ये आएगा वन प्लस ट्वेल्व, ठीक है, थर्टी सिक्स आएगा सर, आएगा वन बाय रूट थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाय सिक्स का होल स्क्वायर माइनस थर्टीन बाय, मतलब ये हो जाएगा रूट थर्टीन बाय सिक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, मतलब सेम ये फॉर्मूला लगेगा, एक्स की जगह एक्स प्लस वन बाय सिक्स आ जाएगा, ए की जगह पे रूट थर्टीन बाय सिक्स आ जाएगा अपने पास, ठीक है। बोलो बच्चों क्लियर है बात, इसकी जगह बस माइनस आ जाएगा प्लस, हाँ है, इसके आगे बस इसके आगे सीधा फॉर्मूला लगा देना, वो अंडर रूट ये एक्स वाला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या होगा, वन बाय रूट थ्री ऐसा कैसा आ गया, एक्स की जगह क्या लिखोगे एक्स प्लस वन बाय सिक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे ये पूरी टर्म ऐसी कैसी आ जाएगी, बोलो। यस सर, है ना। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तो क्या होगा ना, जैसे अपन जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यदि मैंने कॉमन ले लिया
तो फिर वो डिवाइड करने वाली टेंशन खत्म हो जाएगी कि यार इसका कोफिशिएंट क्या है, उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, वो डिवाइड करने वाला रूल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो लिख लिया, लास्ट स्टेप रह गई सर, एक मिनट। चलो एक दो क्वेश्चन आप ट्राई करो, देखें इसके। Integration of 1 upon let's say 4x square plus 3x minus 1 into dx, ठीक है। Integration of under root of x minus 3x square, ठीक है। करो देखें एक बार ट्राई करो। आंसर तो बहुत बड़ा आएगा। हाँ आंसर तो बड़ा आएगा, तुम करके रख लो, अभी मैं कराऊंगा तो आंसर चेक कर लेना फिर। देखो आंसर भी लिख दिया फिर लोगों ने, एल एन एक्स प्लस 3/8। हाँ हाँ यस सर, यही है सर, सही है सर, बाय 4। हाँ वो बाय 4 भी आएगा ना, और एक्स प्लस 3/8 का होल स्क्वायर प्लस 25 बाय प्लस आ रहा है क्या, चलो चेक कर लेता हूँ मैं। माइनस आएगा तो माइनस। देखो 1/4 अपन ने कॉमन लिया तो बाहर ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस 1/4, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो इसका हाफ करा तो 3/8 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस कर दिया माइनस 9/64 माइनस 1/4, ठीक है। माइनस कॉमन लेके प्लस कर दिया, प्लस कर देंगे सर,
x प्लस 3 बाय 8 का होल स्क्वायर और 64 तो 16 और 25 बाय 8 का होल स्क्वायर बन रहा है ना? यस सर, 5 बाय 8 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये आ जाएगा आंसर आएगा 1 बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पर ये फॉर्मूला गलत लगाया भैया। यस सर, 1 बाय 2 ये वाला है। हाँ, ये अंडर रूट में थोड़ी ना है, ये अंडर रूट में नहीं है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, याद आ रहा है? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला क्या था? तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला 1 बाय 2a, a कितना है 5 बाय 8 इंटू ln x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आएगा 1 बाय 5 ln 3 बाय 3 माइनस 5 माइनस 2 बाय 8 मतलब माइनस 1 बाय 4 हो गया और 8 बाय 8 1 हो गया, फिर भले 4 एलसीएम लेना चाहो तो ये आएगा भैया फाइनल आंसर। फॉर्मूले का ध्यान रखना यार, इसमें फॉर्मूले का ध्यान रखना पड़ता है, अभी सेम लगते सर। हाँ, तभी सेम लगते हैं इसमें, ये अंडर बिना अंडर रूट वाले का अलग है, बस ये ध्यान रखना, बिना अंडर रूट वाले जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो दोनों का अलग है। ऊपर यदि वन नहीं हुआ तो वाली फॉर्म अभी आगे आएगी, ठीक है? इसमें यदि वन नहीं हुआ कुछ और भी चीज आएगी तो वाली फॉर्म भी आएगी अपने पास, वो अलग फॉर्म आएगी। सेकंड में माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा सर, ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर, हाँ पहले थ्री बाहर ले लो ना, माइनस थ्री नहीं लेना, अंडर रूट के बाहर माइनस थ्री लोगे, अंडर रूट के बाहर तो पहले माइनस ले लेते बाहर, फिर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नहीं आएगा ना, अंडर रूट के बाहर माइनस नहीं आएगा, केवल आपको थ्री ही कॉमन लेना है। सर बाहर सर रूट थ्री आएगा सर बाहर? हाँ बाहर केवल रूट थ्री आएगा, तो अंदर हो जाएगा एक्स बाय थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। देखो इसमें इसको अलग से परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूं मैं और फिर बाद में वैल्यू रख दूंगा। मान लो मेरे पास x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर था, रूट थ्री को मैंने ले लिया बाहर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x बाय थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? अब क्या करो कि माइनस पहले ही बाहर ले लो, जब भी x बाहर मतलब केवल अंडर रूट के अंदर, ऐसा ऐसा ले लो माइनस इस बाहर, ठीक है? तो माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे आ माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय 36 माइनस एक्स माइनस 1 बाय 6 का होल स्क्वायर। मतलब मेरे पास ऐसा तरह से देखा जाए तो रूट थ्री को तो ले लिया बाहर, रूट थ्री को तो ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा अंडर रूट ऑफ
1 बाय 36 को लिख दिया 1 बाय 6 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाय 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला, हां अंडर रूट a स्क्वायर जो बड़ा स्क्वायर बड़ा वाला जो फॉर्मूला, ठीक है। हां अब देखना क्या था फॉर्मूला, x बाय 2, x बाय 2 मतलब x माइनस 1 बाय 6 बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। बोलो अभी बात समझ में, कौन सा वाला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला। तो ये था आपके x बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। x की जगह पे x माइनस 1 बाय 6 लिख देना और a की जगह पे 1 बाय 6 लिख देना। क्लियर है? यस सर। है ना, तो बस इस वाले में तो यही है कि परफेक्ट स्क्वायर एक बार सही से बन जाए, प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ब्रैकेट ब्रैकेट जितना यूज कर सकते हो उतना ब्रैकेट यूज करो, तो ब्रैकेट यूज करोगे ना तो प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं होगी, है ना। हो गया सर। तो नेक्स्ट अपन अब मेथड पे आते हैं, अब उसमें नेक्स्ट मेथड पे आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से पहले एक दो पॉइंट और मैं बता देता हूं, मतलब देखा जाए कि वो अलग से वो कुछ पॉइंट है नहीं, ठीक है, अलग से कुछ पॉइंट नहीं है, जैसे मतलब उससे पहले आप लिख लेना सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, सम स्टैंडर्ड सर इसके पहले, हाँ इसके पहले सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अंडर रूट ऑफ सर मॉड्यूल में लिखा था टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन, क्या सर मॉड्यूल में लिखा था टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ यही सर वो यही है, ये सब ये टेक्निक ही चल रही है, अलग अलग टेक्निक ही चल रही है, यस सर यस, है ना, वो अलग अलग वो मेथड्स को टेक्निक बोलते हैं। हाँ लिखा देखिए टेक्निक, अच्छा ये टेक्निक ऑफ, हाँ तो ये यही चल रही है, वो मेथड्स को उन्होंने टेक्निक बोल दिया, ठीक है। तो जैसे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है, देखा जाए तो कुछ नहीं, जैसे आपको डिफरेंशिएशन में बताया था ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाए, ऐसे ही मान लो कहीं पे अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स आ जाए, ऐसा, ठीक है। तो बस आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर दो, ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर दो, जैसे जनरली क्या होता है अपन सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, अपन सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन ऐसे करना है ताकि कोई फॉर्मूला बन जाए मेरे पास, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले में बता सकते हो क्या पुट करना चाहिए, इक्वल टू साइन है, हैं
ए साइन है यहाँ, ए साइन थीटा, इसमें क्या पुट कर दोगे, एक्स थीटा, ए सेक थीटा, इसमें क्या पुट करोगे, एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा, इसमें बता सकते हो क्या पुट करोगे लास्ट वाले में, ए कॉस थीटा, ए कॉस इक्वल्स टू ए कॉस थीटा भी रख सकते हो या कॉस टू थीटा भी रख सकते हो, कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने पास, ठीक है। तो कहीं पर भी इस टाइप की कोई टर्म आ जाए अपने पास, है ना, तो आप उस टाइप का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो ताकि इंटीरियर, और बहुत सी बार जैसे अब अगेन इसमें भी मैं आपसे बोलूंगा कि, और एक बार क्वेश्चन आया भी है कि एक्स की जगह पर भी ही हो सकता है आपको एक्स का कोई लीनियर फंक्शन दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको ऐसा दे देता क्वेश्चन में, लेट्स से 9 - 3x + 1 का होल स्क्वायर, मान लो ऐसा आ गया, है ना। अब आप बता सकते हो यदि इसमें सब्स्टिट्यूशन करना हो तो आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, इसी टाइप का है, यदि आपको सब्स्टिट्यूशन करना हो तो क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, सर कर सकते हैं, आई को 3 स्क्वायर लिख के तो डायरेक्ट हो जाएगा फॉर्मूला, हाँ मतलब होल स्क्वायर लिख के, वो तो यदि सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन दिया जाए तो मैं बात कर रहा हूँ, तो आप बता रहे हो कि हाँ भाई सीधा इसका इंटीग्रेशन दिया जाए तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो तो इसमें भी लगी जाएगा ना, सब में भी, इसमें भी अपने को जरूरत क्यों है, इसके साथ कोई और टर्म भी है जिसपे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा हूँ, उसके इसकी मैं बात कर रहा हूँ, yes, तो 3x + 1 = 3 sin θ, yes, ये फर्स्ट वाला एक तरह से, तो x की जगह पे क्या आ गया, 3x + 1 आ गया और a की जगह पे 3 आ गया, तो जैसे यहाँ पे x इक्वल टू रखा तो वहां पे 3x + 1 = 2 रख दे, क्लियर है बात, है ना, मतलब मेन देखो आप समझने की कोशिश करना, अपना पर्पस एक ही है कि कैसे भी करके अपन उस टर्म को सिंप्लीफाइड कर ले, तो ये जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो उस तरह से अपन यूज करेंगे ताकि अपना एक फॉर्मूला बन जाए अपने पास, ठीक है, बाकी तो उसके बाद आगे के मेथड्स रहेंगे जो भी है, हो गया चल, अब अपन आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, इसमें मॉड्यूल में क्या थोड़ा सा ना मैं सीक्वेंसिंग चेंज करूंगा, है ना, मॉड्यूल में क्या है जैसे अभी इसी के साथ मैं बीच में ट्रिग्नोमेट्री वाला भी दे रखा है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा पूरा एक साथ सारे, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये एक थोड़ा सा यू समझ लो कि जैसे आपका डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है ना, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल वैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है, तो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल थोड़ा सा डिफरेंट है कि मान लो आपके पास दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि जैसे जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन में तो क्या है, आप किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा, अपने पास एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन लेना है, ठीक है, और वो रूल होता है आइलेट, आइलेट, आइलेट रूल क्या है, आइलेट रूल ये है कि आई स्टैंड्स फॉर द इनवर्स फंक्शंस लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग वाले एल एन एक्स, ए स्टैंड्स फॉर एलजेब्रिक, एलजेब्रिक कॉन्स्टेंट फंक्शन भी इसी में आएंगे, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई पावर एक्स ए पावर एक्स ऐसे वाले फंक्शन, ई पावर एक्स ए पावर एक्स ऐसे वाले फंक्शन, तो रूल ये बोलता है आइलेट का कि अपन ये मान के चलेंगे कि यहां पे जो दो फंक्शन आएंगे ये इन पांच में से ही किन्हीं दो टाइप के आएंगे, ठीक है, ये जो दो फंक्शन आएंगे इन पांच में से ही किन्हीं दो टाइप के आएंगे, दो मतलब कि एक एक सेम सेम टाइप के दोनों ही आ सकते हैं, पूरा सुन लो उसके बाद क्वेश्चन कर, एक बार पूरा मेथड सुन लो, एक एग्जांपल देख लो, ठीक है, तो ये जो दो फंक्शन आएंगे इन पांच में से ही कोई दो टाइप के आएंगे, मान लो एक इनवर्स आ गया, एक लॉग आ गया, एक इनवर्स एक एलजेब्रिक आ गया, एक एलजेब्रिक फंक्शन आ गया, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, ठीक है,
तो रूल सिंपली ये है कि इस वर्ड में जो लेटर पहले आएगा उस टाइप वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन लेंगे। मतलब मान लो ये आपका इनवर्स फंक्शन है और मान लो कि ये एलजेब्रिक फंक्शन है, तो आईलेट में आई पहले आता है ए बाद में आता है, तो इसलिए इस वाले फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा, इसको सेकंड फंक्शन लूंगा। मान लो ये लॉग फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है, तो मतलब ये एल हो गया, ये टी हो गया, तो इसमें एल पहले था टी बाद में था, तो लॉग वाले फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा, ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन को मैं सेकंड फंक्शन। तो जो लेटर पहले आएगा उस टाइप वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है और जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन लेना है, पहली बार, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग पहली चीज तो मैंने ये डिसाइड कर ली कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन है। कुछ कुछ चीजें एक्सेप्शन है इसमें, कुछ कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मतलब ऐसा मान लो कि किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं अपन, दोनों तरीके से इंटीग्रेशन हो जाता है कुछ क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि सर ये तो अपन क्या बोले, लॉग बोले, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे फंक्शन एक्सप्लिसिट नहीं होते, हो सकता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के साथ कुछ और टर्म भी आ रही हो, तो आप पता ही नहीं पाए कि यार सर इसको कैसे ले मानेंगे अपन, ट्रिग्नोमेट्री मानेंगे क्या मानेंगे। तो उस वाले केस में अपने को दूसरी अप्रोच से जाना पड़ेगा, है ना। 90% प्रॉब्लम में ये अप्रोच लग जाती है, 90 कुछ कुछ प्रॉब्लम इससे हटके भी अपने को करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे उसकी अप्रोच में बताऊंगा आप, ठीक है। तो अभी अपन पहले स्टैंडर्ड अप्रोच समझ लेते हैं कि मैंने मान लिया कि एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन हो गया और जी एक्स सेकेंड फंक्शन हो गया, तो इंटीग्रेशन ये बोलता है कि एफ एक्स कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, जो कि ऑलरेडी मैं यहां पे कर चुका हूं वही सेम टर्म यहां पे, दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ये dx इस वाले इंटीग्रेशन के लिए था gx के साथ में, ये dx इस पूरे मल्टीप्लाई होके फाइनली जो फंक्शन आएगा फिर से उसका इंटीग्रेशन dx, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। स्टार्टिंग वैसे ही होती है जैसे डिफरेंशिएशन में करते हो, स्टार्टिंग में अपन क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में, प्रोडक्ट रूल में, फर्स्ट कॉन्स्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड कॉन्स्टेंट फर्स्ट, इसमें एक रूल तो है आपको ऐसा लगेगा, फर्स्ट कॉन्स्टेंट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एग्जाम्पल मैं करके बता देता हूं, एक्स इंटू ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, एक्स एलजेब्रिक फंक्शन, ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए पहले आ रहा है ई बाद में आ रहा है, तो इसको फर्स्ट लेंगे इसको सेकंड। नाउ फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई पूरे का इंटीग्रेशन, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन वन ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स और इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन तो वापस ई पावर एक्स ही आया। This is your final answer. This is your final answer. बोलो अब बताओ क्या डाउट है।
सर मतलब कि इसमें एक जैसे सेम फंक्शन नहीं आ सकते? सेम फंक्शन आएंगे तो किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो जाएंगे ना सर वही। हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल है ना, मतलब ये सबसे स्टैंडर्ड अप्रोच है। अभी मैं आपको और भी पॉइंट्स बताऊंगा इसमें कि कब कब अपन अप्रोच से हटके जाएंगे, ठीक है? चलो इसको लिख लो एक बार। तो सर इसमें कहीं पे जीएक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा? किया तो है, किया इंटीग्रेशन, ये देखना ये यहाँ पे लिखा है जीएक्स डीएक्स, जीएक्स इनटू डीएक्स है, वो डीएक्स मतलब इंटीग्रेशन होता भाई, वही बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन किया है ना, तो डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। सर इसमें मतलब जीएक्स का कहीं से कहीं डिफरेंशिएशन नहीं होता ने? जीएक्स का, हाँ जीएक्स का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन केवल एफएक्स का होता है, ठीक है, जीएक्स का डिफरेंशिएशन नहीं। और जैसे कैलकुलेशन वाइज आप एक चीज समझ सकते हैं क्योंकि आगे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगी तो वहां पे इंटीग्रेशन करने में आपको दिक्कत आए कि देखो ये वाला जो इंटीग्रेशन अपन ने यहाँ पे करा है ना वही इंटीग्रेशन अपने को यहाँ पे रखना है, अरे बात समझ में, वही इंटीग्रेशन। तो कभी क्या हो कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, तो एक बार अपन इंटीग्रेशन करके रख लेते हैं, वही यहाँ पे लिख देता हूँ फिर वही यहाँ पे, ठीक है? अगर e की पावर 2x होता तो क्या होता इधर है, e की पावर 2x जैसे उसमें होता तो e की पावर 2x होता तो e पावर 2x का कर लेते, e पावर 2x बाय 2 कर लेते, बाय 2 आ जाता सर, हाँ उसमें बाय 2 आ जाता, ठीक है। चलो लिख लिया, यस सर, से ब्रेक हो रही है, क्यों पहले बोला था, क्या आवाज नहीं आ रही क्या? नो सर आ रही अच्छे से, आ रही सर, आ रही सर, एक नंबर आ रही ना, पहले शायद बीच में हो गई होगी, क्लियर है सर, क्लियर, हाँ अच्छा ठीक है। हाँ अब इसमें जैसे एक दो चीजें मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या एक्सेप्शन है, रूल के बियॉन्ड अपन कैसे जाएंगे। जैसे उससे पहले एक क्वेश्चन और कराता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि आप देखोगे तो आपको लगेगा एक ही फंक्शन पर फिर भी अपन बाईपास कर देते हैं उसका, कैसे? जैसे अब एक फॉर्मूला भी आ गया एक तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ ln x इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ ln x इंटू dx। अब ln x ऐसे देखोगे तो एक ही फंक्शन दिख रहा है, अब आप बोलोगे सर इसमें y पार्ट कैसे लगेगा, इसमें तो एक ही फंक्शन है, अपन अपनी तरफ से 1 इंटू कर लेंगे, 1 इंटू, ठीक है? आप बोलो ऐसे तो फिर अपन हर फंक्शन में कर सकते हैं, नहीं हर फंक्शन में नहीं हो पाए, है ना, स्पेसिफिक कैटेगरी है ना। अब 1 इंटू ln x है तो 1 अपन काउंट करते हैं एलजेब्रिक में, है ना, और ln x हो गया लॉगरिथमिक में, तो बताओ i let i l ये लॉगरिथम हो गया और एलजेब्रिक l इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड, आई बात समझ में, l i let तो l पहले आएगा और एलजेब्रिक बाद में आएगा। नाउ ln x कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन माइनस ln x का डिफरेंशिएशन
इंटू वन का इंटीग्रेशन और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, एक्स एल एन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना वन बाय एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एफ, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचा वन, वन का वापस चला जाएगा एक्स प्लस सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो एल एन एक्स माइनस वन, वन को एल एन ई लिख सकते हैं ना, बोलो वन को एल एन ई लिख सकते हैं कि नहीं, एल एन ई की वैल्यू वन होती है, ठीक है सर। वन क्यों लिया आपने, को समझ में नहीं आया, एल एन एक्स बाय ई प्लस सी बस फाइनल आंसर है एक्स एल एन एक्स बाय ई। ये आपको याद भी रखना है, ये याद रख लेना या ये याद रख लेना, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो कि वन अपन ने देखो बहुत सारे फंक्शन में अपन ऐसा करेंगे कि दिखेगा एक ही फंक्शन पर बाय पार्ट्स करने के लिए उसको अपन अपनी तरफ से वन इंटू एल एन एक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो वन इंटू एल एन एक्स करेंगे तो वन जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन में आएगा, वन जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन में आएगा, और बाकी एल एन एक्स तो लॉन्ग वाला फंक्शन है ही सही, ठीक है। तो बाकी तो रूल आपको पता ही है कि सीधा सीधा अपन उसका बाईपास कर सकते हैं ऐसा। और इसको तो याद ही रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स, ये तो फॉर्मूला ही एक तरह से फॉर्मूले की तरह आप याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स इज एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। Yes, sir. ठीक है हाँ। अब जैसे मैं एक दो चीजें बताता हूँ आपको कि भाई वही आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर मतलब वन तो ऐसे अपन ले सकते हैं किसी में भी, हाँ इनवर्स फंक्शन भी अपन ऐसे ही करते हैं, है ना। देखो इस पूरे मेथड में यदि आप एक चीज ध्यान से समझो तो ये जैसे अपन ने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का जो रूल बनाया है, यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन लेना है, ये सेकंड फंक्शन बनाया है। अभी जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में आप बोलो कि नहीं सर यदि अपन वन को सेकेंड फंक्शन ले लेते तो क्या होता, आप लेके देखो एक बार, सॉरी वन को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं तो मान लो वन को मैंने फर्स्ट फंक्शन दिया और एल एक्स को सेकंड फंक्शन दिया, ये फर्स्ट फंक्शन ही सेकंड, वन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एल एक्स होता माइनस यस सर होल इंटीग्रेशन, वन का डिफरेंशिएशन करते हैं जीरो, ये पूरा जीरो, मतलब देख रहे हो क्या आ गया आपके पास, आपके पास इक्वल आ गया एल एन एक्स ही आ गया, नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं हो तो इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स वो तो। और यहीं पे मुझे दिक्कत आ गई थी ना भाई, आप ये सोचो कि मुझे यदि इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स पता ही होता तो वो तो यहीं पे लिख देता, फिर मैं ये बाय पार्ट्स तो करता हूँ। यस सर, सर वैसा कुछ नहीं देगा। हाँ तो एग्जैक्टली देखो इस पूरे जो बाय पार्ट्स है ना, बाय पार्ट्स का लॉजिक ये है कि ये जो आइलेट रूल मैंने बताया है 90% तो ठीक है आप आइलेट रूल लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इस रूल के बियॉन्ड भी जा सकते हो, आप इस रूल के बियॉन्ड भी जा सकते हो, मतलब रूल इज नॉट कंपलसरी, आपको उल्टा करना है उल्टा भी कर देना। अभी मैं कुछ क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी से जिसमें मैं उल्टा भी कर दूंगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लूंगा उससे भी आंसर आएगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड करेंगे उससे भी आंसर आएगा। तो फिर क्या चीज डिसाइड करेगी कि कभी अपने को चेंज करना हो, देखो होता क्या है कि मैं डिफ्रेंशिएशन तो हर फंक्शन का कर सकता हूं, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाए डिफरेंशिएशन तो सबका हो जाएगा, कर सकते हो आप डिवाइड रूल प्रोडक्ट रूल कुछ भी लगा लोगों कि आप डिफरेंशिएशन तो कर ही हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन से चेन रूल से, पर इंटीग्रेशन के लिए अपने पास रिस्ट्रिक्शन,
इंटीग्रेशन अपन हर फंक्शन का नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के लिए मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है कि इंटीग्रेशन अपन हर फंक्शन का नहीं कर सकते, है ना। तो जो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानने का रूल है बेसिकली वो दो चीजों पे बेस्ड है। पहला तो जो आप जिसको सेकंड फंक्शन मानोगे उसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि पहली स्टेप में उसके इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है। नहीं, जैसे मान लो आपने इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लिया, आपने बोला एफ एक्स कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, तो पहला तो डिसाइडिंग फैक्टर यहीं पर हो गया कि आप जिसको भी सेकंड फंक्शन मानते हो उसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो आप यहीं पर अटक जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो यहां वाला होल इंटीग्रेशन है, आप बोलो कि बाय पार्ट्स कहां पे लगाना है, क्या हर फंक्शन में अपन, आप बोले ऐसे वन तो अपन सब में करके फिर सबको बाय पार्ट्स भी कर सकते थे, नहीं सबको नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम यहां पे आएगी। यहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो जो आप एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद फिर वापस से पूरा जो इंटीग्रेशन कर रहे हो वो इंटीग्रेशन भी पॉसिबल होना चाहिए। यदि वो इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं फिर वहां पे अटक जाऊंगा। तो इसलिए दो चीजें हो गई। पहला, जिसको भी अपन सेकंड फंक्शन मानेंगे वो इंटीग्रेबल होना चाहिए। बहुत सी बार आपको ऐसा लगेगा सर इंटीग्रेशन तो इसका भी हो जाएगा, जैसे अभी मान लो मैंने करा था x into e power x, इसमें मैंने बोला था इसको फर्स्ट मान ले इसको सेकंड मान ले, आप बोलो कि सर इसको क्यों सेकंड माना, इंटीग्रेशन तो मैं इसका भी कर सकता हूं इसका भी कर सकता हूं, बिल्कुल। सेकंड चीज यहां पे डिसाइड करेगी, सेकंड चीज यहां पे डिसाइड होगी कि ये जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट भी पूरा का पूरा इंटीग्रेबल होना चाहिए। यदि ये भी इंटीग्रेबल नहीं हुआ तो इसका मतलब आप जो फर्स्ट सेकंड मान रहे हैं कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये दो जगह है, यदि ये दो चीजें हो जाए ना तो फिर आप फर्स्ट सेकंड आइलेट के अकॉर्डिंग नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आइलेट सेटिस्फाइड होना जरूरी नहीं है, आइलेट तो क्या अपन ने बनाया हुआ है, वो आप सेटिस्फाइड नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बस ये दो जगह यदि आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द मेन पॉइंट। बोलो बच्चों, आई की नहीं बात समझ में? सर प्रायोरिटी सर आइलेट को देनी है, आइलेट को देनी है सर प्रायोरिटी। आप आइलेट को दे दो पहले, पहला आप आइलेट के अकॉर्डिंग ही चलो। नहीं, ये रूल एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, बहुत सी बार क्या होगा कि आपको कुछ क्वेश्चन में ऐसे फंक्शंस भी मिलते हैं जिनको आप एक्सप्लिसिटली बोल नहीं पाओगे कि सर इसमें एक टर्म ये है इसको मैं क्या मानूं, मतलब ये तो थोड़ी मिक्स टाइप की टर्म आ रही है। वहां के लिए फिर मैं बता रहा हूँ कि वहां के लिए यदि आपको दिक्कत आ जाए कि अब इसको क्यों, क्योंकि आप वहां पे पता लगा आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है कि अलजेब्रिक है, है ना, तो वहां पे फिर आपको ये देख के डिसाइड करना है कि अच्छा मैं एक बार इसको सेकंड फंक्शन ले लेता हूं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मैं कर लूंगा। तो एक स्टेप वहां तक भी आ जाए तो फिर आप आगे वाले स्टेप, यदि आप पहली स्टेप पे अटक रहे हो तो फिर तो मानने का मतलब ही नहीं है, तो वहीं पे गड़बड़ हो गया, है ना। तो पहली स्टेप हो रही हो उसके बाद फिर सेकंड स्टेप आपको करके देखनी पड़ेगी कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर बात समझ में आए, है ना, बाकी इसमें वो ये धीरे धीरे अभी जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन से और आपको आइडिया लगता जाएगा, है ना। कभी कभी आपको दो बार भी बाय पार्ट्स करना पड़ सकता है, एक बार करा उसके बाद वापस से जो दूसरा फंक्शन आ गया उसको भी आपको बाय पार्ट्स करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स ले लो आप, इसको ले लो एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स को, ठीक है। एलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल फर्स्ट सेकंड, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस होल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स ई पावर एक्स का ई पावर एक्स इनटू डी एक्स, टू को बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस टू एक्स ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये वापस से बाय पार्ट्स,
सर वो ही बन गया, ये वापस हाँ वो कहाँ बन गया, अरे वो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स आ गया ना, कम हो गया ना फंक्शन, ठीक है। इसमें वापस से बाईपास करेंगे, इसको वापस से फर्स्ट फंक्शन, इसको वापस से। अरे तो अभी किया था ना, वो ही लिख देंगे सर, बस किया ही था अपन ने, तो कितना आया था x की पावर x माइनस की पावर x। थोड़ा ब्रैकेट का ध्यान रखना, एक्चुअली क्या होता है जैसे आप यहाँ पे जब माइनस लगाओगे है ना, इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जब आप माइनस लगाओगे तो अब इस इंटीग्रेशन के बाद जितनी भी टर्म आएगी वो इस माइनस टू से मल्टीप्लाई होगी, तो मतलब उसको आप पूरा ब्रैकेट में लिख दो, ज्यादा अच्छा है। e पावर x आप कॉमन लेना चाहो तो e पावर x कॉमन ले लेना, फाइनल आंसर आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड माइनस माइनस प्लस टू प्लस ऐसा देखा। बोलो क्लियर है बात? यस सर। तो ऐसे भी करना पड़ सकता है, दो बार तीन बार वाला भी है ना सर। मैक्सिमम बार कितनी बार आ सकता है, है? सर मैक्सिमम कितने बार आ सकता है आगे? दो तीन बार से ज्यादा तो नहीं होता है, यदि दो तीन बार से ज्यादा कुछ करना पड़ रहा है ना, तो जनरली वो क्या करता है कि आंसर फिर किसी ऐसी फॉर्म में लाता है कि वो दो बार तीन बार में आपको कुछ निकल जाता है, तीन बार से ज्यादा तो जरूरत नहीं पड़ती। इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, और वैसे भी सेकंड ही मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यदि मैं वन को फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, समझ में आ रहा ना, वापस से वही आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स कॉन्स्टेंट, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। बोलो बच्चों क्लियर है? यस सर। x tan इनवर्स x माइनस इसका कैसे करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का t मान के, हैं? वन प्लस एक्स स्क्वायर को t मान, हाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर को, अब इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन आएगा, अभी छोटे छोटे इंटीग्रेशन याद होने चाहिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे तो टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी किया जाएगा, ऊपर x dx ये 1 by 2 उधर चला जाएगा, तो 1 by 2 dt by t plus c, ठीक है, 1 by t का हो जाएगा log t, तो x tan inverse x minus 1 by 2 log t, t मतलब क्या, 1 plus x square plus c। बोलो क्लियर है? यस सर। सर बस बस चलो एक दो क्वेश्चन आप करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डीएक्स करना है, तो और एक करो इंटीग्रेशन ऑफ एलएन एक्स का होल स्क्वायर इंटू बी।
हाँ सही है, प्रवीण का आंसर आ गया है, वेरी गुड। सर सेकंड वाला तो बहुत बड़ा आ रहा है सर। नहीं बड़ा क्यों आएगा सर? देखो इसका फर्स्ट वाले का साइन इनवर्स इनटू एक्स एलन वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। एलन नहीं आ रहा उसमें, नहीं आ रहा सर, एलन थोड़ी ना आएगा मुझे। सर सेकंड का सही है क्या? देख क्या आ रहा है। एक्स एल एन एक्स बाय ई स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। सर मेरा सही है क्या? चेक करना सेकंड का आंसर को। देखो फर्स्ट वाला हो गया क्या सबका? वन इंटू करके भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। देखो फर्स्ट वाले में क्या, मैं दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ। एक तो वन इंटू करके करोगे आप, तो वन इंटू इसको सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, तो साइन इनवर्स एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, वन का एक्स हो गया माइनस होल, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, इसके लिए वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, इसको t माना तो माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, तो x dx की वैल्यू हो गई माइनस वन बाय टू डी टी, तो प्लस वन बाय टू डी टी बाय रूट डी, वन बाय रूट टी का टू रूट टी आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा टू रूट टी, तो रूट ऑफ टी टी वन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये आ रहा है बस, है ना। दूसरा एक ऑप्शन ये भी था फर्स्ट वाले में, एक ऑप्शन अपने पास ये भी है कि साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो, साइन इनवर्स एक्स को सीधे, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को टी मानने का मतलब एक्स इज इक्वल टू साइन टी हो गया, साइन इनवर्स एक्स को टी मानने का मतलब एक्स इक्वल टू साइन टी हो गया, तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया कॉस टी डी टी हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ
साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी टी हो गई, डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई कॉस टी डी टी हो। अब आप बाईपास कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अब यदि मैं, अब क्या होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया आई लेट, और तो इसको अपने को फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकेंड। सर ये नहीं आई सर वाली स्टेप सर समझ में है? सर वो वाली सर, ये साइन इनवर्स एक्स माइनस उसके नेक्स्ट वाली सर, उसके ऊपर ये वाली की, ये वाली सर, सर सर ये सर, ये उसके ऊपर वाली सर, ऊपर वाली ये, यस सर, ये तो यही वाली है ना, एक्स साइन इनवर्स एक्स को तो ये रख दिया, यस सर, और 1/2 टी का इंटीग्रेशन कितना होगा 2√t, तो 2 से 2 कैंसिल, √t टी की वैल्यू ये रही, यस सर, है ना, 1/√t का मैंने इसी लास्ट क्लास में बताया था कि ये तो याद ही रख लेना, ये बार बार यूज होता रहता है, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, वही पावर वाले फॉर्मूले से लगा दो ना, 1/√2 मतलब टी की पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन ऐसा, ठीक है। तो इधर साइन इनवर्स एक्स सेकंड वाले मेथड में मैं क्या बता रहा था कि साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो, एक्स बराबर साइन टी हो गया, डीएक्स बराबर कॉस टी डीटी हो गया, है ना, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हो गई टी, डीएक्स की वैल्यू हो गई कॉस टी डीटी। अब बायपास करोगे तो टी कॉन्स्टेंट, कॉस टी का इंटीग्रेशन, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टी, माइनस होल इंटीग्रेशन, टी का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन वन वन, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी डीटी, ठीक है, और साइन टी का वापस से इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो प्लस कॉस टी प्लस, अब वैल्यू रख दो टी, टी किसको माना था अपन ने साइन इनवर्स एक्स, साइन टी, साइन टी किसको माना था एक्स, प्लस कॉस टी, साइन टी ये है तो कॉस टी क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होगा ना, यस सर, तो ये लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यस सर, सर सेकेंड का ln स्क्वायर एक्स इनटू एक्स माइनस 2 ln एक्स, एक बार देख लेता हूँ कैसे करा सेकेंड, वही वन वन मान के ना, इसमें ना दोनों ऑप्शन है एक्चुअली सेकेंड में, कि आप वन मान के भी कर सकते हो और इसको ln x into ln x भी कर सकते हैं, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि यदि दोनों सेम फंक्शन आ जाए तो क्या कर सकते हैं, yes, sir. ln x into ln x भी कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं कि ln x का इंटीग्रेशन अपने को पता है, इसलिए है ना, अपन वन मान के करते हैं, लेकिन वन लेके ठीक है, वन यदि मैंने लिया तो वन को ऑब्वियसली सेकंड फंक्शन ही लेना है, तो ln x का होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वन का इंटीग्रेशन x माइनस होल इंटीग्रेशन ln x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ln x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 ln x अपॉन x इनटू 1 का x x x कैंसिल, तो ये मेरे पास आ गया x ln x का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ln x, इंटीग्रेशन ऑफ ln x क्या हो जाएगा x ln x माइनस x, x माइनस x प्लस c, ऐसा हो जाएगा, है ना, हाँ ये सही है, इसका आंसर आया है भाई, रोहित का भी सही है, पर वीडियो पॉज हो रही है सर बहुत ज्यादा, है नहीं हो रही, वीडियो पॉज हो रही है सर, नहीं हो रही, नहीं हो रही सर, है नहीं हो रही सर, वीडियो पॉज पॉज नहीं हो रही ना, क्लियर है, हाँ आज से बोल दी क्लियर है, ठीक है, ये किसी ने आंसर में माइनस का गड़बड़ किया हुआ है, ये त्रिलोक, त्रिलोक आपका आंसर गड़बड़ आया, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, क्योंकि ना इसमें पता है ये गड़बड़ बहुत होती है, ये आप जब सेकंड वाला जब इंटीग्रेशन करोगे ना बाय पार्ट्स, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो ब्रैकेट जितना यूज कर सकते हो उतना यूज करो,
ठीक है ना, यहीं पे आप तो तुरंत ब्रैकेट लगा लो बस अमाउंट, ताकि वो पूरा ब्रैकेट में आ जाए, ताकि लास्ट मुझे पता रहे कि हाँ मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स, बिगनर बॉक्स वन के क्वेश्चन 27 में, क्वेश्चन 27 बिगनर बॉक्स वन में तो ऐसा कोई क्वेश्चन है ऐसे तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाला पूछ रहे हो क्या? पाई बाय टू लिख लेंगे सर इसको। हाँ वो तो पाई बाय टू लिख लेंगे। अनुपमा कौन सा क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाला क्या सर? इसका 30 कैसे करेंगे? ये तो सीधा सीधा पाई बाय टू हो रहा है। पाई बाय टू इंटू एक्स हो गया सीधा सर इसका 30। 30 में ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू लगा देना ना, ये ना इसमें एक काम करना कि इसको लिखना x पावर 6 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हो ना? यस सर। आप अलग अलग करोगे, आप इसको अलग अलग करना, तो अलग अलग करोगे तो x पावर 6 प्लस 1 को a क्यूब प्लस b क्यूब लगाओगे तो a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ab, और यहां पे आ जाएगा माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल हो गया, सबका डायरेक्ट हो जाएगा, इसका टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक्स पावर 5 बाय 5 एक्स क्यूब बाय 3 एक्स, और इसका टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तभी क्या डिस्कशन थोड़ी ना होता? हाँ नहीं होगा वो तो, वो एक्चुअली उनको उसको लगा कि वो हाईलाइट से होगा, इसलिए उन्होंने पूछा था कि वही इसमें हाईलाइट लगाना है क्या वो साइन इनवर्स है। एक्चुअली पता है जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा ना ये वाला अनुपमा की, जैसे अब आपका पॉइंट सही था कि जैसे अब आपको लगेगा अभी अपन ने साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करा है, अभी जैसे मान लो इसका इंटीग्रेशन करा, अब यू देखा जाए तो अभी अपन ने अलग से इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स करा था, है ना, अलग से अपन ने कॉस इनवर्स एक्स का तो नहीं करा, पर उसका भी आप बाय पार्ट्स कर सकते हैं। बहुत सी बार इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आप उसको अलग अलग करोगे ना, तो अलग अलग करने की बजाय यदि सारी टर्म्स को मैं मिला के करूंगा तो ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में यही है, मैं अलग से साइन इनवर्स एक्स का भी इंटीग्रेशन कर सकता हूं, अलग से कॉस इनवर्स एक्स का भी कर सकता हूं बाय पार्ट्स, लेकिन दोनों को एक साथ मिला के करूंगा तो वो सीधा बाय बाय टू हो जाएगा, उसमें मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि बहुत सी बार ऐसा नहीं है कि कभी भी आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा जा रहा है इधर से करने, वो भी बहुत बड़ा जा रहा है, बहुत बड़ा जा रहा है, तो एक बार आप हो सकता है दोनों को मिला के करना, शायद हो सकता है क्वेश्चन इजीली हो जाए आपके पास। ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये भी बहुत अलग टाइप का पैटर्न है एक, लेट्स से मैं इसको आई मान लू, लेट्स से मैं इसको आई मान ले, ठीक है, तो त्रिलोक उसमें नीचे x क्यूब को t मान लेना, वो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना बिगनर बॉक्स 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे x क्यूब को t मान लेना, फॉर्मूला बन जाएगा आपका डायरेक्ट। e पावर x इंटू साइन bx बायपास करना पड़ेगा, बायपास के अकॉर्डिंग यदि मैं आईलेट चलूंगा तो एक्सपोनेंशियल ये सेकंड फंक्शन होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए ना, अब बहुत ध्यान से करना, देखो साइन bx कॉन्स्टेंट, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x अपॉन a, इंटीग्रेशन करेंगे तो डिवाइड करना है, डिफरेंशिएशन करोगे तो मल्टीप्लाई करना है, माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा बी कॉस बी एक्स इंटू, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा ई पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू बी एक्स। बोलो बच्चों यहां तक सब क्लियर है? yeah. ठीक है, नाउ अब एक काम करते हैं, ये तो ठीक है, मैं ऐसा लिखा रहने देता हूं 1 बाय ए ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स,
यहां से b बाय ए को मैं बाहर ले लेता हूं, ये e पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, और इसको वापस से बाईपास करना पड़ेगा, इसको बाईपास करा तो इसको भी करना पड़ेगा, तो अगेन इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन ले सकते हैं ना। तो मेरे पास i इज इक्वल टू, i चल रहा है, मैंने इसको i माना था, 1 बाय ए ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस बी बाय ए, ब्रैकेट लगा देते हैं, ये फर्स्ट सेकंड, कॉस बी एक्स कॉन्स्टेंट ई पावर ए एक्स का वापस से इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स बाय ए माइनस होल इंटीग्रेशन, ठीक है, समझ आ रहा है, इसका वापस से बायपार्ट्स कर रहे हैं, तो इसका बायपार्ट्स कैसे करोगे, ये कॉन्स्टेंट इसका इंटीग्रेशन ये माइनस कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन, कितना होगा कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन बी बी एक्स, माइनस बी साइन बी एक्स, माइनस होगा ना कॉस का, यस सर, और ई पावर एक्स का वापस इंटीग्रेशन हो गया ई पावर एक्स अपॉन। बोलो बच्चों, यहां तक किस स्टेप में किसी को कोई डाउट है, हो गई बात समझ में सबको, है ना। अब चलो एक काम करता हूं मैं, ये b यहां से कॉमन और फिर 1 बाय ए यहां से कॉमन, तो मेरे पास आ गया i इज इक्वल टू 1 बाय ए ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस ए पूरे में से कॉमन ले लेता हूं, b बाय ए स्क्वायर हो गया, यहां पर हो गया ई पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस ये b को बाहर लिया है, और यदि आप ध्यान से देखो तो यहां पे जो टर्म बच रही है इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ये तो वही टर्म बच रही है जहां से आई बन गया, यस सर, तो इसको मैं वापस से आई लिख दूं, ठीक है, बस तो ये आई आएगा, इसको इधर ले जाते हैं वापस, क्योंकि मुझे वैल्यू आई की निकालनी है ना, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना एक तरह से वैसा हो गया, अपने को वैल्यू आई की निकालनी है, तो आई वाली टर्म को इधर ले जाता हूं, ये आई ऐसा का ऐसा यहाँ पे आएगा माइनस बी स्क्वायर, तो इधर लेके जाओगे तो प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू यहां पर आ गया 1 बाय ए ई पावर एक्स साइन बी एक्स, ठीक है, और यहां पे आएगा आपके पास b बाय ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स इंटू कॉस बी, ठीक है, राइट, एलसीएम ले लिया ए स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम ले लिया ए स्क्वायर ए ई पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू ई पावर एक्स इंटू कॉस बी, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ई पावर एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपॉन में ले जाओ, ठीक है, तो फाइनली मेरे पास आ रहा है आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इंटू ई पावर एक्स को तो बाहर ले लिया ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस, दिस इज फाइनल रिजल्ट, ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है, ब्रीफली मैं रिपीट कर देता हूं, देखो क्या क्या करा था अपन ने, ई पावर एक्स साइन बी एक्स को फर्स्ट माना, पर वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही सर, क्या आवाज नहीं आ रही क्या, पर अभी बीच में चली गई थी सर, बीच में कट गई थी सर, अच्छा अभी आ रही है कि नहीं, अब आ रही है, अब आ रही, आ रही, चलो ठीक है ना, तो साइन बी एक्स कॉन्स्टेंट इसका इंटीग्रेशन ये हो गया माइनस इसका डिफरेंशिएशन,
इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये आ गया बी बाय ए को बाहर ले दिया। फिर इसका बायपास करा तो फिर से इसको कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ये आई मान लिया मैं, बस बाकी तो फिर अपन इधर उधर करा अपन कॉमन लेके, ठीक है। बोलो बच्चों क्लियर है सबको। और इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि आप यदि इंटरचेंज करके भी लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैंने इसको सेकंड लिया है ना, आप इसको सेकंड, इसको फर्स्ट लेके भी करोगे तो भी आ जाएगा। क्यों? इसका भी आप कितनी भी बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका भी आप कितनी भी बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर सकते हो। सर ये लास्ट स्टेप है सर, ये लास्ट सेकंड स्टेप समझ नहीं आई सर। कौन सी ये? अरे तो कैलकुलेशन है। नो सर, सर ऊपर वाली, ये वाली ना? यस सर। यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आया, तो उसको इधर ले गए तो वो प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो गया। ये वाली टर्म बची और ये वाली टर्म बची मेरे पास। एलसीएम ले लिया अपन ने, आ गया सर। है ना, इसका रिजल्ट आप याद भी रख लेना। वैसे डायरेक्ट भी बी पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा वैसा जैसे अपन ने साइन बी एक्स का करा ना, ऐसा कैसा कॉस बी एक्स में भी आ सकता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है वैसे। इसको ना एक फॉर्म में और कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बार इसको लिख लो तो लिख लिया। इसका जो मैं बता रहा था, इसको क्या अपन एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका जो आंसर आता है ना, जैसे आपको याद हो तो ना अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकाली थी, उसमें भी ऐसा करा था और मल्टीपल चॉइसेस में ऐसा बन भी जाता है। जैसे आपके पास आंसर आया है e पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है। एक मेथड यदि आपको याद हो तो इसको अपन साइन एक्स का या कॉस एक्स का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और अंडर रूट ए स्क्वायर से डिवाइड। ये तो ऐसा कैसा लिख दिया इस वाली टर्म को, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लेट्स से मैं इसको कॉस थीटा मान लू तो yes, इसको तो लिख सकते हैं ना, यस सर, ठीक है। और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट नीचे चला जाएगा ना, अंडर रूट नीचे चला जाएगा ना, तो फाइनली मेरे पास आएगा ई पावर ए एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉस थीटा लिख लिया, ये साइन थीटा लिख लिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन बी माइनस या थीटा ए माइनस
बी का फॉर्मूला लग गया है ना, और ये साइन थीटा कॉस थीटा, तो दोनों को डिवाइड कर लो, वेयर साथ में लिख लेना, वेयर दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए आएगा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाय ए। इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं आंसर इसका। और बिल्कुल ऐसे ही कॉस का भी अपन लिख सकते हैं, कॉस वाला भी ठीक है। तो एक बार कॉस वाला भी आप करके देख लेना, ई पावर एक्स इंटू कॉस भी एक थोड़ा सा चेंज आएगा उसमें, उसमें जैसे यहाँ पे साइन का फॉर्मूला बना है उसमें कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है चलो, तो आज के लिए बहुत इतना ही है ना। यस सर, अपन करते हैं बिगनर बॉक्स कर लो इसके टू तक, ठीक है ना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। यस सर, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय सर।